नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ओरिजिनल पॉडकास्ट में। ये वक्त हम सब के लिए मुश्किलों और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, पर हम सब यह जानते हैं कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, उसमें एक फितरत होती है कि वह गुजर ही जाता है। इसलिए इस मुश्किल वक्त में हम आपका साथ देने के लिए लाए हैं पावर ऑफ पॉजिटिविटी सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का कितना असर होता है। अगर जीवन में पॉजिटिविटी रखी जाए तो शायद चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम महसूस करते हैं या उन्हें देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पॉजिटिविटी सीरीज को। पॉजिटिव न्यूज़ हमारे दिमाग तथा मन दोनों पर अच्छा असर डालती है। न्यूज़ हमें सच बताती है, लेकिन दुनिया भर में हुई रिसर्च ये कहती है कि नेगेटिव न्यूज़ देखने से हमारे मन और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है, जबकि इसके विपरीत अगर पॉजिटिव न्यूज़ देखी जाए तो उससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। नेगेटिव न्यूज़ देखने से हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन यानी कॉर्टिसोल उत्पन्न होता है, और पॉजिटिव न्यूज़ देखने से इसके स्तर में कमी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने 5,000 लोगों के मेंटल डेटा पर एक स्टडी की। इन 5,000 लोगों में कुछ बोस्टन में हुए हमलों के गवाह भी थे। बेशक इन गवाहों पर इस हमले का नेगेटिव या बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ही होगा, लेकिन इसके विपरीत यह भी देखा गया कि जिन लोगों ने 6 से 7 घंटे टीवी कवरेज में इस न्यूज़ को देखा, उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा या प्रभाव पड़ा। इस स्टडी में यह भी सामने आया कि जब दिमाग नेगेटिव चीज़ों पर अधिक ध्यान लगाना शुरू कर देता है तो उसे नेगेटिव बायस दिमाग कहते हैं। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि पॉजिटिव न्यूज़ देखने से तथा पढ़ने से हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव न्यूज़ को बताने से और उसके बारे में बात करने से भी दिमाग को सुकून मिलता है। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।